नमस्कार। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 कक्षा 10 के लिए जो उसके 10 सवाल हम कर चुके हैं, आज 11वां सवाल से शुरू करने वाले हैं। इसमें क्या दिया है? आकृति है हमारे पास, एक आकृति में ए बी बराबर में ए सी, ये ए बी ये ए सी दोनों क्या है? बराबर। समझ गया हूं, त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है जिसमें AD लंब BC, EF लंब AC है, ये D बिंदु है। सिद्ध करना, सिद्ध करना त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF दोनों क्या है? समरूप सिद्ध करनी है। क्या करना है? समरूप सिद्ध करनी है। तो इसका प्रमाण देखिएगा, सबसे पहले AB बराबर में AC क्या है? दिया है, ये दिया है, तो कोण B किसके बराबर होगा? कोण C के। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको पता है दो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस कितनी सी दिक्कत थी, अब सवाल हमारा बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब त्रिभुज एबीडी तथा ईसीएफ में, ये दोनों त्रिभुज हमने ले ली, एक 90 है, ये देखिए डी बराबर क्या है? एफ। कोण डी बराबर में कोण एफ बराबर में 90। क्यों बता? क्यों? क्योंकि लंब है, लंब ये है, एक हो गया, एक हमने ये देखो इसका बी उसका सी, इसका बी उसका सी सिद्ध किया। बस दो त्रिभुजें हमने करनी थी, एक ये त्रिभुज है एक ही है, बी आ गया एक सी के बराबर और डी एफ के बराबर, तो कोण कोण समरूपता नियम द्वारा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ इति सिद्धम। तो कुछ नहीं, छोटी सी जो बात हमने यहां पर करनी थी, बी कोण को सी के बराबर करना था, उसके बाद एक 90-90 था, तो दोनों त्रिभुजें समरूप सिद्ध हुई। बारवां सम देखते हैं, एक त्रिभुज एबीसी, एक भी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और मध्य का ए डी, ये मध्य का है, मध्य का ए डी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर और मध्य का पी एम, मध्य का क्या होती है? जो बराबर बराबर भुजाओं को भाग करे, जो भुजा को समद्विभाजित करे, उसको क्या बोलते हैं? मध्य का। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, बी डी बराबर डी सी, बी एम बराबर एम आर। तो क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी तथा
मध्यिका एडी क्रमशः त्रिभुज PQR की भुजाएं PQR, PQQR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है, ये हमें दिया है। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के। ABC बड़ी त्रिभुज है, PQR भी ये बड़ी त्रिभुज है, तो सबसे पहले इनकी भुजाओं का अनुपात जो है उनको लिखेंगे। अब हल करते हैं, प्रमाण करते हैं, आपको पता है इनका अनुपात समान है, किस किस का, AB बटा में PQ बराबर में BC बटा में QR बराबर में AD बटा में PM। ये देखो भुजाओं का अनुपात हमारे समानुपाती है, तो ये दिया है, तो ये दिया है, ये देखिए ये है, ये है, ये है पूरी, ये है और ये मध्यिका है। तो देखिए हम एक बार क्या करते हैं, इन दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं, इन दोनों को, ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का दो का अनुपात तो है, इसका हो जाए तो हो जाएगी, तो देखिए BC का आधा कर दें, AB बटा PQ, BC बटा में दो, QR बटा में दो, AD बटा में PM, तो इसका आधा करने से क्या हो गया, दो से ऊपर हो गया, दो से नीचे, तो क्या हो गया, आधा मतलब BD, BD बटा में QM बराबर AD बटा में PM। तो देखिए किन किन त्रिभुजों का अनुपात, ये ओवर ये, ये ओवर ये, ये ओवर ये, तीनों भुजाओं का अनुपात है समान है, तो SSS नियम द्वारा त्रिभुज ABD समरूप किसके होगी, त्रिभुज PQM के, PQM के, तो ये दोनों त्रिभुजें हमने समरूप सिद्ध कर दी, समरूप सिद्ध कर दी, तो यहां से हम एंगल उठा लेंगे, क्या उठा लेंगे, एंगल, एंगल यहां जो B है वो Q के इक्वल होगा, कोण B बराबर में कोण Q, क्यों, CPST मतलब अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसका हम इस्तेमाल करके जो त्रिभुज हमें समरूप करनी है उसको समरूप सिद्ध कर देंगे। देखो अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यहां से दो भुजाओं का अनुपात उठा लेते हैं, AB बटा में PQ बराबर में BC बटा में QR, तो AB बटा में PQ, BC बटा में QR, तो बीच का कोण बराबर हमने सिद्ध कर दिया, ये आ जाएगा दिया है, यहां क्या आ जाएगा सिद्ध किया, तो नियम कौन सा लग गया, SAS नियम द्वारा त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज PQR इति सिद्धम। तो इस प्रकार आपका सवाल पूरा हुआ, यहां BC by 2 QR by 2 लिख सकते हैं आप, AD PM मध्यिकाएं है, तो इसलिए ये इसके बराबर आ चुका। 13 सम 13वां क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, मान लीजिए ये कोई बिंदु D है, इस प्रकार है कि ADC ये वाला कोण
बी ए सी के बराबर है, ये दोनों बराबर है, सिद्ध करना है सी ए स्क्वेयर सी बी इंटू सी डी दिया है। त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार, एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी किसके बराबर है, कोण बीएसी के। सिद्ध करना, सी ए स्क्वेयर बराबर में सी बी डॉट सी डी डॉट कह लो या इंटू कह लें, इसका हल करते हैं। देखिए कुछ बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखें किस तरह से ऐसा सवाल किया जाता है। कुछ रफ वर्क जो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहां हमें सिद्ध करना है सी बी इंटू सी डी, क्या सिद्ध करना है, सी बी इंटू सी डी सी ए स्क्वेयर के बराबर। तो यहां पर ये भुजाओं का अनुपात ही है जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब देखना ये कौन सी त्रिभुज हम समरूप करें, ये वाली करें या ये और ये बड़ी करें या ये और ये। तो ये देखने के लिए एक थोड़ा प्लानिंग मन में तैयार करना जरूरी है, तो मैं आपको प्लानिंग समझाता हूं। देखिए यहां सी ए इंटू सी ए है, सी बी इंटू सी डी है, तो सी ए ओवर सी डी, सी डी को इधर ले आए और सी ए को उधर ले जाए, मतलब बेसिकली ये ऐसे चलेगा। अब क्रॉस करेंगे तो यही बनेगा। तो इसका मतलब कौन सी त्रिभुज हमें समरूप करनी है, ये नोट करें आपने सीखना। तो एक तो होगी ए सी और बी, तीन बिंदु हैं ए सी बी, ए सी बी कौन से, या यूं कहें बी ए सी कौन से, बी ए सी। दूसरा ए ए सी डी या ए डी सी कौन से हैं, ये देखो बी ए सी, सी डबल है, ए डी सी सी डबल है। तो कौन सी त्रिभुजें हम करेंगे फिर इसका मतलब समरूप, एक तो लेंगे हम बी ए सी, एक लेंगे हम ए डी सी। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी त्रिभुजें समरूप करें और हमारा आंसर ऐसा आ जाए। तो त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में, तो देखिए यही चीज ढूंढनी थी। अब आसानी है, एक कोण तो दिया ही हुआ है, ए डी सी बी ए सी के बराबर में दिया है। दूसरा यहां देख सकते हैं सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी सी बराबर में सी क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ यानी कि साझा। तो देखिए दो कोण बराबर करने थे, दोनों कोण हो गए, बीच में ही थे, ढूंढ के लिखने थे। तो कौन कौन समरूपता नियम द्वारा त्रिभुज एडीसी किसके समरूप होगी, त्रिभुज बीएसी के, दोनों समरूप होगी तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो दो भुजाओं का अनुपात हम लिख देते हैं इस प्रकार से, सी ए बटा सी डी, इसकी तो भुजा सी ए और इसकी सी डी, इसकी डी के सामने का कोण और सी के सामने का कोण, इसी प्रकार सी बी बटा में सी ए, इसकी सी बी उसकी सी ए, क्योंकि कोण जो जो कोण बराबर है उसके सामने की भुजा लिखेंगे। तो ये लिखा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहां लिख देंगे सी पी एस टी, तो सी ए का स्क्वेयर और सी बी इंटू सी डी इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो आज के सम थे इस लेक्चर के अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। देखते रहिए, समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत